जॉकी के शोरूम में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार, कपड़े समेत नकदी पर किया था हाथ साफ। बीते कुछ दिन पहले अज्ञात चोरों द्वारा हरिबा उपाध्याय नगर स्थित जॉकी के शोरूम में गेट तोड़कर कपड़े और नकदी चुराकर फरार हो गए थे, जिस पर किशनगंज थाना पुलिस ने पीड़ितों की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिस पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध मित्तल अस्पताल के सामने घूम रहे, जिस पर पुलिस ने पूछताछ की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इस चोरी को करना भी कबूला। पुलिस इन दोनों चोरों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। दिनांक 26/5/2019 को मित्तल हॉस्पिटल के पास में एक कपड़े के शोरूम पे चोरी हुई थी। इस पर लगातार शहर में हो रही चोरियों और उनका नकबजनियों का खुलासा करते हुए एसपी साहब के निर्देशानुसार सरिता सिंह एडिशनल एसपी सिटी के निर्देशन में थाना अजय की टीम ने प्रयास करके उस शोरूम में हुई चोरी जिन मुलजिम द्वारा की गई धन्नालाल उर्फ धनराज और वीरू को गिरफ्तार करके उनको न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय से पेश करके दो दिन का उनका पुलिस कस्टडी प्राप्त की गई है और उनसे शोरूम में चोरी गई माल मसरूका और जो पैसे की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। और वारदात के लिए इनसे तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि ये दिन रात कबाड़ बीनने का काम करते हैं, तो आसपास की जो भी छोटी चोरियां या दुकानों में चोरियां इनके द्वारा की जाना प्रतीत होता है, तो इनसे पूछताछ करके अन्य चोरियों का भी खुलासा किया जाएगा। ये रात के समय और इसमें जो दुकानों के आसपास दुकानों के ताले तोड़ के उसमें जो सामान चोरी करने का ये वारदात करते हैं।